फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं वेज मायो सैंडविच। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आज की सैंडविच की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस वेज मायो सैंडविच की रेसिपी को शुरू करते हैं। वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है 4 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस। आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ लिया है, थोड़ा सा गाजर कटा हुआ लें, आधा प्याज मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा खीरा कटा हुआ लिया है। आप इसमें शिमला मिर्च और लेटिस भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो सब्जियों को ग्रेट करके यूज़ करें। यहाँ पर मैंने एगलेस मेयोनीज लिया है 2 बड़े चम्मच, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया है 1/4 छोटा चम्मच, मिक्स्ड हर्ब मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, चीज़ हम लेंगे 25 ग्राम के करीब, टमाटो केचप मैंने लिया है 1/2 छोटे चम्मच, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें इस सब्जियों को डाल देंगे। तो ये टमाटर डाल दिया मैंने, प्याज डाल दें, फिर हम इसमें ये गाजर डाल देंगे, आप चाहें तो गाजर को ग्रेट कर लें, और ये खीरा डाल दिया मैंने। अब इन सब्जियों में हम चीज़ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिया है उसका आधा चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और आधा बाद में। तो चीज़ को ऐसे ग्रेट कर लें और ये आधा चीज़ मैंने ग्रेट कर लिया, इसे हम रख देंगे। फिर हम इसमें ये मेयोनीज डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बिना अंडे वाला मेयोनीज यूज़ किया है, जो कि रेडीमेड मार्केट में मिलता है। फिर हम इसमें ये टमाटो केचप डाल देंगे, ज़रा सा नमक डाल दें, बहुत ही कम नमक यूज़ करें। इसके बाद हम इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना यूज़ करें। और लास्ट में हम यहाँ पे ये मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह मिला दें। और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड के कॉर्नर्स को काट लेंगे। ये काटना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो एजेस को निकाल दें, नहीं तो एजेस के साथ ही ये सैंडविच बनाएं। तो यहाँ पे सैंडविच थोड़ा अच्छा दिखे इसीलिए मैं ये कॉर्नर्स को निकाल दे रही हूँ ऐसे, और ठीक इसी तरह ये बाकी के 2 ब्रेड को भी मैं ऐसे कॉर्नर्स को कट कर लूँगी। तो ये हमारे ब्रेड स्लाइसेस रेडी हो गए हैं सैंडविच के लिए। बचे हुए इस ब्रेड के कॉर्नर्स को आप ब्रेड उपमा, पोहा या फिर इन्हें ग्राइंड करके आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रेड स्लाइसेस को ऐसे प्लेट में रख देंगे और फिर इनके ऊपर हम ये मिक्सचर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, तो 2 ब्रेड के ऊपर ये मिक्सचर को ऐसे स्प्रेड कर दें इवेनली। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे ये दूसरे ब्रेड के ऊपर भी मैंने मिक्सचर को डाल दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ बाद में यूज़ करूँगी। अब हम दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस से इसे ऐसे बंद कर देंगे, बस इसे अब हम कट कर लेंगे ऐसे। बस ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर क्या करेंगे, चीज़ ग्रेट कर देंगे, इससे ये सैंडविच बच्चों को और भी टेम्पटिंग लगेगा। तो ऐसे चीज़ ग्रेट कर दें इसके ऊपर, और ये हमारा वेज मायो सैंडविच तैयार हो गया है। ये देखिए, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप इस सिंपल ईजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों रेसिपी के लिए इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करें।